दोनों सबसे ज्यादा तीव्र है गुरुत्व आकर्षण के लिए। पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्व आकर्षण के लिए। आपका जो शरीर है इसका यह है उत्तर, सिर जो है ना शरीर का उत्तर है और पांव दक्षिण है। तो सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, आप अगर पृथ्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए, भागवत जी कहते नहीं सोना, मान लो सो गए, तो आपका सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। विज्ञान ये कहता है फोर्स ऑफ रिपल्शन माने प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया तो उधर से एक प्रतिकर्षण बल आपके शरीर पर काम करेगा। तो ये प्रतिकर्षण बल जब शरीर पर काम करेगा, धक्का देने वाला बल, तो आपके शरीर में संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और शरीर में अगर संकुचन आया तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा, क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा। क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है, खून को भी प्रेशर आएगा, और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं, मन में हमेशा धड़पड़ धड़पड़ चलती रहेगी, हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी। तो उत्तर की दिशा पृथ्वी की है जो नॉर्थ पोल कहलाती है। हमारे शरीर का उत्तर यह है सिर, अगर ये दोनों एक ही दिशा में हो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, शरीर में संकुचन आएगा, नींद आएगी ही नहीं। अब इसका उल्टा कर लो, आपका सिर दक्षिण में कर दो, ठीक है, पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो, तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ, साउथ हुआ। तो आपका नॉर्थ माने उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों एक दिशा में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक बल आपको खींचेगा। और अगर आपके शरीर पर खिंचाव पड़ेगा, मान लीजिए आप लेटे हैं और ये पृथ्वी का दक्षिण है और इधर आपका सिर है, तो आपको खींचेगा अगर कोई तो शरीर थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे रबर खींचती है ना इलास्टिसिटी, ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ाव आएगा। जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉडी में रिलैक्सेशन आ गया। आप अंगड़ाई लेते हैं ना, एकदम शरीर को तान देते हैं, फिर क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ाव आया, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो इसलिए भागवत जी ने कहा कि दक्षिण में सिर करेंगे तो शरीर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उत्तर में सिर करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन में शरीर पर दबाव पड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खिंचाव पड़ता है, खिंचाव और दबाव एक दूसरे के विपरीत हैं। दबाव से शरीर में संकुचन आएगा तो खिंचाव से शरीर में थोड़ा सा फैलाव आएगा। तो फैलाव है तो आप सुखी नींद लेंगे और उस पर दबाव है तो नींद नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण दिया है। ये विश्लेषण मैं मानता हूं जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खत्म करने का अकेला है सूत्र। नींद अच्छी अगर ले रहे हैं आप तो समझ लीजिए दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके शरीर से बाहर, भोजन अच्छा है, नींद अच्छी है, और क्या चाहिए। तो आप नींद अच्छी लें, ब्रेन हमेशा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे रहे, इसके लिए दक्षिण में सिर करके सोना बहुत अच्छा, और नहीं तो पूर्व में करना। अब पूर्व क्या है, पूर्व के बारे में पृथ्वी पर रिसर्च करने वाले सब वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व न्यूट्रल है, पूर्व जो है ना न्यूट्रल है, ना तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, इसलिए पूर्व में सिर करके सोएंगे तो न्यूट्रल आप भी रहेंगे तो आसानी से नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। पश्चिम का आप पूछेंगे जी, पश्चिम के लिए अभी रिसर्च होना बाकी है, भागवत जी मौन है उस पर, कोई एक्सप्लेनेशन देकर नहीं गए हैं, और आज का साइंस भी लगा हुआ है, कोई रिसर्च अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रेषित करूंगा पश्चिम के बारे में। सोने के हिसाब से वैसे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है पश्चिम पर, वास्तु वालों ने बहुत काम कर लिया है कि पश्चिम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सोने के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से जो सूत्र में बात कर रहा हूं, वो रिसर्चेस पश्चिम पर कम हुई है, पूर्व पर हो चुकी हैं, दक्षिण पर बहुत हो चुकी हैं, उत्तर पर तो सबसे ज्यादा हो चुकी है।
तो ये तीन दिशाओं को ध्यान में रखना है सोते समय, माने पूर्व में सिर करके सोए तो बहुत अच्छा, नहीं तो दक्षिण में। अब इसके आगे का सूत्र और भी मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवत जी कहते हैं कि किनको पूर्व में सिर करके सोना और किनको दक्षिण में, उन्होंने कैटेगरी बना दी। तो वो कहते हैं जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, जो दुनिया की मोह माया से दूर हैं, इन सबको पूर्व में ही सिर करना हमेशा। और जो दुनिया चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ, उनको दक्षिण में ही सिर करना। अब यहां बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले, घर गृहस्थी चलाने वाले, दुनिया चलाने वाले लोग हैं, तो आप तो आज ही अपने बेड की पोजीशन बदलो, दक्षिण में सबके सिर होने चाहिए बेड के। और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते, ब्रह्मचारी हैं वगैरह वगैरह, इनको पूर्व में ही सोना। साधु जी, साध्वी जी जो भी हैं, जिनको अपने जीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साधु महात्मा संत, इनको पूर्व में ही सोना है सिर रख के। और आप जैसे लोग जिनको घर गृहस्थी चलानी है, दक्षिण। अब यहां कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, आप अपना याद रखो, मैं मेरा याद रखो। अच्छा, आज के लिए इतने ही सूत्र, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है का आपने, सिर के लिए हाँ, हाँ। तो शरीर की खिंचाई होती है, तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपलसरी हम साउथ फेसिंग जरूर सुलाइए, ताकि उनकी हाइट बढ़े? जरूर सुलाइए। जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है, आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए, थोड़े तीन चार साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा हाइट बढ़ने का, लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजीव भाई, कल आपने बताया था सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, लेकिन जैन धर्म में यह बताता है कम से कम 48 मिनट बाद में कुछ हाँ, भी लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो जैन दर्शन में 48 मिनट का नियम है ना, सूर्योदय होने के 48 मिनट के बाद, वो बिल्कुल नियम सही है, पक्का है। वो नियम क्या है वो हमें समझने की बात है। वो नियम ऐसा है, जो पानी है ना, पानी बहुत सारी जीव राशियों का संग्रह है। अब ये थोड़ी सूक्ष्म की बात है, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सवाल पूछ लिया इसलिए कह रहा हूं। पानी जो है सूक्ष्म जीव राशियों का संग्रह है। आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें, करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देंगे इधर उधर भागते घूमते। अगर देख लें तो दिल्ली नहीं करे पानी पीने के लिए। ये तो सुबह सुबह क्या होता है कि आपका जो मुंह है, ये जो लार है ना, ये मैंने आपसे कहा कि सुबह के समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इस लार की। तो अगर आपने उठते से ही पानी पिया तो उसमें पूरी संभावना है कि ज्यादा जीव राशि की हत्या होगी। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो। हिंसा से बच सके ये आदर्श है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो। अनावश्यक जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो। तो अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए जैन शास्त्रों ने, जैन आचार्यों ने ये कह दिया जी 48 मिनट के बाद पियो। ये 48 मिनट में क्या हो जाता है, 48 मिनट में आपके मुंह की जो लार है ना, इसकी जो क्षारीयता है ये कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत तेजी से कम होती है। और इसकी क्षारीयता कम हुई, एल्केलिनिटी जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में, तो जीव राशि के मरने की संभावना उतनी कम हो जाती है। तो फालतू हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने यह कहा कि नवकारशी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा। वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बागभट्ट जी का भी है। वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार करते हैं तो मुंह की जो लार है इसकी क्षारीयता कम होना शुरू होती है। तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जैन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो, और अगर आप जैन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंसा अहिंसा का उतना महत्व नहीं है, लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है। तो आप बोलेंगे जी 48 मिनट तक क्या करें, बैठे रहे, तो भगवान का नाम ले लो, आप ईश्वर का जाप कर लो, मंत्र का जाप कर लो, कुछ कर लो और फिर पानी पियो, फिर उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू करो। ये बीच का रास्ता मैंने बताया जी। और कोई प्रश्न? हाँ, आपने शहद और घी के विरुद्ध बताए,
शहद और घी। हाँ, तो जैसे जन्म होता है तो बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है, एक ऐसा संस्कार है, तो वो कैसे? जी, ये जो संस्कार है ना बच्चे को जन्म लेते ही शहद घी चटाने का, इस संस्कार को करते समय जो लोग हैं ना कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखें तो तकलीफ है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप ध्यान नहीं रखते तो बहुत तकलीफ है। आयुर्वेद ये कहता है कि शहद और घी बराबर मात्रा एक साथ कभी भी लेंगे तो जहर ही है, लेकिन कुछ भारत में ऐसे समूह हैं जो अपने बच्चों को ये करते हैं, शहद और घी चटाते हैं, लेकिन सभी लोग भारत में ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी चटाते, लेकिन जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा, ऐसे कुछ समूह हैं भारत में जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा, तो वो मुझे एक इंटेलिजेंट उत्तर देते हैं और वो बागवट जी का भी सही है। वो ये कहते हैं कि जी हमने शहद और घी साथ में चटाया तब जब उसमें गाय का मूत्र थोड़ा मिलाया था या गाय के गोबर का रस डाला था। अब ये जो गाय का गोबर और गोमूत्र की जैसी ही बात आती है तो तुरंत मेरे ख्याल में आता पंचगव्य बनाते हैं ना, पंचामृत या पंचगव्य, तो उसमें शहद और घी भी होता है लेकिन गोमूत्र के साथ या गोबर के रस के साथ। फिर हम लोगों ने थोड़ा काम किया कि ये गोमूत्र अगर मिला दिया शहद और घी में तो क्या इसकी विषकारकता कम हो गई? तो बाद में एक कल या नहीं तो परसों मैं इस पर विस्तार से आने वाला हूं कि गाय के मूत्र को मिलाते ही शहद और घी एक दूसरे के साथ मिलने को तैयार है, माने उनकी दुश्मनी कम है, माने गाय के मूत्र में एक केमिकल है जिसका नाम है सल्फर। ये सल्फर दुनिया का अकेला केमिकल है जो दो विष के बीच में डालो तो दोनों को न्यूट्रल करता है लेकिन खुद का प्रभाव बढ़ाता है, तो सल्फर बढ़ता है। तो कुछ लोगों को मैंने पूछा जो ये कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम बच्चे को शहद और घी चटाते हैं लेकिन थोड़ा गोमूत्र देकर, माने थोड़ा गोमूत्र एक बूंद या आधा बूंद मिलाकर, तो शायद उनके लिए वो अनुकूल पड़ता हो। लेकिन आप ये ना करें, ये मेरी विनती है, आप इसको बच्चे को अगर चटाना है तो खाली घी चटा दें, अगर चटाना है तो खाली शहद चटा दें, शहद और घी मिलाकर ना चटाएं। एक ही कंडीशन है कि जब बच्चे को कोई ऐसा गंभीर रोग ना हो, अगर मान लो कोई बहुत गंभीर रोग है जिसमें विष ही देना है, मान लीजिए कई रोग ऐसे हैं जिसमें विष दवा का काम करता है, ऐसे कई रोग हैं जिसमें विष दवा का काम करता है, उस कंडीशन में जरूर बच्चे को दिया जा सकता है। जैसे एक बहुत खराब रोग होता है, कई बच्चों को होता है, जन्म लेते ही उनके शरीर का जो त्वचा है ना उनका रंग बदलना शुरू होता है, कई बच्चों को मैंने देखा एकदम तांबई कलर के हो जाते हैं, ये जो कॉपर होता है ना कॉपर, तांबा ताम्र, उसी रंग के बच्चे की स्किन होना शुरू हो जाती है, उस बच्चे को जरूर शहद और घी ही चटाना पड़ेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए वो काम आएगा। तो अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन सामान्य बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है, उपयोगी नहीं। जी श्रीमान जी, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ जो डॉक्टर की दवाएं भी चल रही है तो उसको ले सकते हैं? बिल्कुल मत लीजिए, दवा जो है ना आप भरोसे से आयुर्वेद की लीजिए तो उससे ही आपको बहुत बड़े परिणाम मिल जाएंगे। एलोपैथी की दवाएं साथ में खाएंगे तो कोई अच्छे परिणाम तो नहीं, बुरे परिणाम जरूर आ जाएंगे। अर्जुन की छाल का जो पाउडर आप जी के साथ लेने कह रहे हैं, जब हम लेते हैं तो उसको पथरी के जैसे जमने की शंका रहती है या डाउट रहता है? अर्जुन की छाल से पथरी होने की शंका ना के बराबर है। पथरी होने की शंका एक ही चीज में है कि अगर आप चूना ज्यादा खाएं तो। अर्जुन की छाल से आज तक मैंने नहीं सुना किसी को पथरी हुई है, क्योंकि अर्जुन की छाल में जो कैल्शियम है वो बहुत ही कम है और जो है वो बहुत आसानी से घुलनशील है, वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। पथरी होने की संभावना तभी है जब आप ज्यादा चूना खाएं। जी, पेशाब करने के पश्चात पानी पीना ठीक है या पहले पानी पीना? कल तक इंतजार कर लीजिए इस नियम के लिए, ये कल आने ही वाला है। आप पूछिए जी। क्या जी? काढ़ा। काढ़ा शाम को भी पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा, शाम को चाहें तो पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा। शाम को पियेंगे तो नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फायदा भी बहुत नहीं आएगा, फायदा सबसे ज्यादा काढ़े का लेना है तो सुबह का ही। जी जी जी,
इनको चाय पीने की आदत है सुबह उठते ही, बहुत लोगों को होगी, इसका नुकसान बताएं। देखिए मैं एक ही मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुकसान है चीनी। ये जो शुगर है ना चीनी, इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है। अगर आप चाय पी रहे हैं वैसे तो मत पिए, क्योंकि आपकी तासीर के अनुकूल नहीं है। चाय के जो केमिकल है ना भारत के लिए उपयोगी नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय, हमारे लिए वो जहर है। कॉफी तो और भी ज्यादा, गर्म देशों में चाय कॉफी अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब है लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूं। वो तरीका ये है कि चीनी की जगह गुड़ की चाय पी लीजिए। क्यों पी लीजिए वो समझिए, गुड़ जो है ना क्षारीय है और चीनी है ना अम्लीय है। चीनी जब डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके जो अंतिम परिणाम है वो एक एसिड के रूप में ही है, और गुड़ जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसका अंतिम परिणाम है वो क्षार के रूप में है। आपके पेट में अम्ल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो ज्यादा ही होता है, और उस समय अम्ल वाली चाय और पिए जो चीनी मिलाई हुई है तो ये एसिडिटी ही बढ़ाएगी आपकी। तो बेहतर है कि आप चाय पिए तो गुड़ वाली पिए। अब गुड़ वाली चाय जब पिएंगे तो दूध नहीं डाल सकते उसमें, क्योंकि दूध फट जाएगा गुड़ से, क्योंकि दूध और गुड़ की दोस्ती नहीं है। तो फिर बिना दूध की चाय पिए, तो आप काली चाय पिए, गुड़ डाल के पिए। और मेरी छोटी सी एक बात अगर मान लें कि अगर काली चाय गुड़ डालकर आप पी रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस डालें तो न्यूट्रलाइज होगी है। नींबू का रस एसिडिक है, गुड़ जो है ना क्षारीय है, तो गुड़ मिलाई हुई चाय को अगर न्यूट्रल करना है तो थोड़ा नींबू डालकर नींबू की चाय पिए, ठीक है, ऐसा कर। लेकिन इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए, वो नियम ना भूलें। जी हां, इसलिए मैंने बोला कि गुड़ में जो है ना क्षार है और नींबू जो है एसिडिक है, तो क्षार अम्ल मिले तो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल चाय हो जाएगी जब आप पियेंगे। मैं नहीं चाहता कि क्षारीय तत्व भी ज्यादा जाए आपके पेट में, क्योंकि क्षार भी नुकसान करता है। तो गुड़ डाल दिया तो क्षारपन आया चाय में, तो थोड़ा दो तीन बूंद नींबू के रस की डालिए तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, वो आप पिए तो जीवन भर आप बिना किसी दुख और तकलीफ के पी सकेंगे उसको। और अगर आपको बन पाए तो हरे पत्ते की चाय ही पिए। ये जो चाय आती है ना बाजार में टी डस्ट, ये आप में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। आपको अगर पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली चाय मिल रही है तो वो कम से कम इतना जरूर फायदा है कि वो एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी वाली है, क्योंकि हरे पत्ते को सीधे निकालकर सुखाकर आप बना रहे हैं, तो वो इससे बेहतर है जो चूरे वाली चाय आप पी रहे हैं, थोड़ी बेहतर है। जी कई देशों में हमने देखा है कि भोजन लेते समय वज्रासन में बैठ के भोजन लेते हैं, तो ईस्टर्न कंट्रीज में करते हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थोड़ा सा मंगोलिया में जाएं तो वहां भी करते हैं। वज्रासन में बैठकर वो लोग भोजन कर सकते हैं, आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको भोजन के बाद वज्रासन करना अनुकूल है। भोजन करते समय आपके लिए सुखासन या उकड़ू बैठकर आसन, वही अनुकूल है। अब ये क्यों है, एक दिन रुक जाइए, परसों मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि यहां के लोग भोजन लेने के बाद शहद लेना वाजिब समझते हैं, इसलिए क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करता है। लीजिए ना, मैंने मना नहीं किया, लेकिन जैन दर्शन का पालन अगर आप कर रहे हैं तो मत लीजिए, और अगर आप जैन दर्शन में पालन नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को तो आप शहद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जैन दर्शन में है तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा ना करें, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की बात आएगी। शहद जो है ना जीव राशियों का समूह है, और बड़ी मक्खी के शहद में ज्यादा जीव राशियां। पानी कितना लेना चाहिए ये सबके लिए अलग अलग है, तो इसका सूत्र बता देता हूं। हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, आप अपना वजन करिए वजन, अगर 60 किलो वजन है तो 10 से भाग दीजिए इसमें तो 6 आएगा, और 2 घटा दीजिए तो आप 24 घंटे में 4 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर 70 किलो वजन है तो 10 से भाग दीजिए 7 आएगा, 2 घटा दीजिए तो 5 लीटर पूरे 24 घंटे में पानी पी सकते हैं। किसी का वजन 40 किलो है, 10 से भाग दीजिए 4 आएगा,
दो घटा दीजिए, 2 लीटर पानी पूरे दिन में पी सकते। हर व्यक्ति अपने वजन के हिसाब से पानी तय कर ले, जितना वजन 10 का भाग और 2 घटाना।